हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है छुपन छुपाई, चैप्टर नंबर 20। तो चलिए शुरू करते हैं छुपन छुपाई। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे थप्पा दिया। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। और इस कहानी के लेखक हैं साभार। तो बच्चों देखिए, जो स्टोरी है छुपन छुपाई कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है ना? कैसे जीत ने एक एक करके सबको ढूंढ लिया लेकिन एक को नहीं ढूंढ पाया, नाजिया को, है ना? आप भी खेलते हो ना घर में छुपन छुपाई? तो चलिए अभी बातचीत के जो लिए जो प्रश्न है उसको देखते हैं। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो बोलिए कहाँ कहाँ छिप सकते हैं आप सब कोई? पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे, चादर के पीछे, अपनी दादी या नानी के पीछे, है ना बच्चों? अभी नंबर 2 पे देखिए, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो सोचिए आप क्या करेंगे। नंबर 3, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं, क्या आप उदास होते हैं? तो और अभी नीचे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। नंबर 1 पे है, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? तो हमें लिखना है जीत ने 4 बच्चों को ढूंढ लिया। कौन कौन कहाँ कहाँ मिल गया? तो मोहित मिल गया दरवाजे के पीछे, बबली मिल गई अलमारी के पीछे, मारिया मिल गई पलंग के नीचे और सिमरन मिल गई थी दादी के पीछे, है ना बच्चों? तो ऐसा आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन है, छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? कब बोलते हैं बच्चों? ये तो आपको पता ही होगा, है ना? तो अभी नीचे देखिए, छुपन छुपाई कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे? यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ना एनिमल्स का, हाथी है, कौवा, सांप और सारस, है ना? तो बताइए आप कौन किसके छिप सकता है? कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यों? देखिए कौन नहीं छिप सकता? हाथी, है ना? क्योंकि हाथी साइज में बड़े होते हैं, वो किसी के भी पीछे छुप नहीं सकते, वो दिख ही जाएंगे, है ना? अभी देखिए नेक्स्ट पेज 101। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी, अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, मैं अपने मित्रों के साथ दैश खेलता हूँ और खेलती हूँ। तो बच्चों आपको यहाँ पे ऐसे कहानी लिखना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट वाला पेज देख लीजिए, यहाँ पे है शब्द अंताक्षरी, शब्दों का खेल। यहाँ पे है खेल, लड्डू, डफली, जो अंत में जो अक्षर आया है उसी अक्षर से हम लोग को एक एक शब्द लिखना है, ठीक है? तो डफली ल आया है तो हम लोग यहाँ पे ल से शब्द लिखेंगे लीची। आप दूसरा शब्द भी लिख सकते हो। उसके बाद आया च, तो च से हम लोग लिख सकते हैं चीनी, है ना? देखिए नेक्स्ट में है पानी, तो पानी का न से हम लिखेंगे नीर। उसके बाद आया रंग, अंत वाला अक्षर, तो र से लिखेंगे रंग। फिर ग से लिखेंगे गोरा। उसके बाद र से लिखेंगे रस। फिर देखिए यहाँ पे है मोहित, मोहित के त से लिखेंगे तनु। नेक्स्ट पे देखिए बच्चों, यहाँ पे है मोहित, तो त अक्षर से हम लोग लिखेंगे तनु। उसके बाद न से नाक, क से कौन, अगेन न से नल। ओके बच्चों, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। अभी नीचे देखिए यहाँ पे है सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो फर्स्ट में जिनका पिक्चर है उनका नाम है मैरी कॉम।
तो बच्चों देखिए, मैरी कॉम जी जो है वो उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 6 बार चैम्पियनशिप जीती हुई है। ओके बच्चों, तो देखिए इंडिया के लिए ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ना बच्चों, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। नीरज चोपड़ा जो है वो विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में के 40 साल के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ओके बच्चों, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा ये सब। और नेक्स्ट का जो पिक्चर है वो आप देख लीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये आप खुद से लिखना है आपको। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आपको आगे का वीडियो देखना है तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो आप ये सब देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।